मानसी गंगा के पास निर्माणाधीन कंट्रोल रूम के गड्ढे में फंस गया नीलगाय का बच्चा। गड्ढे में सरिया बिजी होने के कारण घायल हो गया नीलगाय का बच्चा। लॉकडाउन के कारण शहरों की ओर आ रहे जीव जंतु। कुछ दिन पूर्व गोवर्धन में हिंसक लेपर्ड ने फैला दी थी दहशत। हिंसक जीव जंतु पलायन कर रहे हैं शहरों और गांवों की तरफ। वन विभाग की कार्यप्रणाली उदास। बाबा भैंस राघव शरण जी ने बचाई नीलगाय के बच्चे की जान। जनता के सहयोग से निकालकर नीलगाय को उपचार कर छोड़ा गया जंगल में। आए दिन शहर एवं ग्रामीण की ओर आकर जानवर हो रहे हैं चोटिल। वन विभाग नहीं व्यवस्था कर रहा है ब्रज में विचरण करने वाले जीव जंतुओं की। क्या नाम है आपका? महंत राघव शरण जी महाराज। तो महाराज जी ये बताइए, आप ये जो नीलगाय का बच्चा है जो मानसी गंगा के किनारे आज जो फंस गया है, ये कैसे आया? ये जंगल की ओर से आया और आकर के और जी पहले तो बस्तियों में घूमा, घूम करके जी बीच तराई पे मानसी गंगा के निकट वहाँ पे गड्ढा था, उराया सरकारी का काम चल रहा है सरकार का, उधर गिर गया। गिरने से उसमें जाल वगैरह पड़ा हुआ, उसकी वजह से उसके बड़ी तकलीफ हो गई और खून भी देने लग गया मुखम से वैरों से। फिर निकाला वो, निकाल करके फिर बस्ती की ओर भगा चला गया वो। फिर बच्चे और कुत्ते उसके पीछे भगे तो बचा लिया ग्वाल वालों ने और बस्ती वालों ने उसको, फिर जंगल की ओर छुड़वा दिया। जंगल की ओर छुड़वा दिया, ये क्यों आ रहे हैं बस्तियों की ओर जानवर? यूँ आ रहे हैं, खेतों में तो सब फसल वगैरह कट चुकी है, कुछ दाना पानी है नहीं है जंगलों में खाने के लिए, और लॉकडाउन की वजह से बड़ा सभी जीव जंतुओं पे, पशुओं पे, सब पे तकलीफ है, आदमियों पे, सब पे ही है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV24 समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम हर खबर पहुंचा सकें आप तक सबसे पहले।